हेलो हेलो दीपक। यस दिस इज दीपक। दीपक दिस इज राज। ओहो मिस्टर राज, कहिए आज कैसे फोन किया तुमने? दीपक कैन यू कम हियर टुमारो? ओह, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे डिसोन कर दिया था। डैडी ने तो कहा था कि मैं तुम सबके लिए मर चुका हूं। आई एम डेड डेड फॉर एवरीबडी, सो हाउ कम? व्हाट? दीपक डैडी इज नो मोर। डैडी अब नहीं रहे। लेकिन ये सब कब हुआ राज, कैसे हुआ? 3 दिन पहले हुआ। 3 दिन पहले नंदी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के टाइम पे वो चल बसी। तो मुझे 3 दिन बाद दे रहे राज? दीपक तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, घर पे आने पे मैं सब बता दूंगा तुमको। दीपक तुम्हें इंडिया जाना होगा नंदी और डैडी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम राज मुझे, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम मुझे? जब नंदी को कैंसर हुआ तब तुमने मुझे फोन नहीं किया, तो तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? I'm sorry दीपक, मम्मी ने हमें नंदी के कैंसर की खबर भी नहीं होने दी, हमें बहुत देर से पता चला। अरे राज, मैं कल सुबह की फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। आई विल बी देयर। ओके बाय। रश्मि इंडिया नहीं जाना चाहती है। क्यों? वो कहती है उसको यहीं डिलीवरी करनी है।
और अगर वो यहां रुकी तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। लेकिन अस्थि विसर्जन तो बेटा करता है। बेटा नहीं, बड़ा बेटा मामा, और इसीलिए मैंने कल रात दीपक भैया से बात भी कर ली है। वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। बिना मुझसे पूछे तुमने उससे बात की थी? हम सब तो उसके लिए पहले ही मर चुके हैं। वो तो उनका जीते जी ही श्राद्ध करके गया था। कैसी बातें करती हो रेनू? तुम्हारा बड़ा बेटा आ रहा है, उसको स्वीकार करो। ऐसा ऐसा क्या है जो तुम सबसे टूट कर रहती है? मां हो, मां की गरिमा निभाओ। दुनिया में सारे संबंधों का, सारे रिश्तों का केंद्र, उनका स्रोत मां ही तो होती है। पिता से पुत्र मां के द्वारा ही तो जुड़ा रहता है। आप सही कह रहे हैं भैया, आपसे टूट कर ही तो देव से जुड़ी थी, फिर मुड़कर जुड़ने का साहस नहीं। कोई मौका ढूंढ रही थी, मौके आए पर गुजरता समय फासले बढ़ाता गया। जीवन फर्ज और अधिकार के ताने बाने से बना है। हिंदू धर्म में संस्कार इसीलिए बने हैं कि मौत के बाद भी लोग एक ही सूत्र में बंधे रहते हैं। बड़ी मालकिन, दीपक भैया आ गए। अब देर न कर लेना, सोचने का वक्त नहीं है, स्वीकार कर लो उसे। आखिरी दर्शन भी न कर सका। नंदी चले गए, डैडी भी चले गए, और मैं आराम में बैठा रहा। ये दोनों हमें धोखा देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। बस एक बिजली गिरी, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ऐसी चली, मेरे खुद के अंग कहां कहां बिखरे हैं, समेट भी नहीं पाई। अब बीती बातों को भुला दे बेटा, बल्कि अब तो तू मां के साथ ही रहे। पति के बाद बेटा ही मां के लिए सब कुछ होता है। डैडी, चार साल पहले देखा था उन्हें मैंने, और उनके लिए तो मैं शायद चार साल पहले ही कैसी बातें करता। इसे नहीं बोलते, चुप कर जा। किसमें
अभी तक मम्मी से केस करने की परमिशन नहीं ली है। बच्ची हो तुम, ऐसे ख्याल नहीं होने चाहिए। मम्मी तो कहती है मैं केस करने लगी, इस विश्वास को तुम मैला मत माने देना। मेरा तुम्हें पसंद करना ना करना कोई माने नहीं रखता। मैं तो एक आवारा बादल हूं, किसी दिन हवा के तेज झोंके मुझे उड़ा ले जाएंगे। सिर्फ खाली आसमान रह जाएगा, खाली नीला आसमान। जिस दिन कोई हवा का झोंका इस बादल को उड़ा ले जाएगा, मैं अपने इस लाल खून से उस खुले नीले आसमान पर तुम्हारा नाम लिख दूंगी। चार दिन से तुमने ना कुछ खाया ना पिया ना बाहर निकली, ऐसे कैसे चलेगा बेटे? किसी के लिए तो इतना पागल हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस बात की ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत, उसे दिल से लगा के बैठ गई है। शी नेवर लव्ड यू, उसे सुनना चाहती हूँ जो मैं पिछले 18 साल नहीं कर सकी वो तू करवाना चाहती है। अगर उसके दिल में थोड़ी भी कसक होती तो वो तुझे छोड़ के नहीं जाता। मैं इन बातों को तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ बेटे। मैं भी मम्मी, लेकिन इन थोड़े से दिनों में जितना मैं उसे जान पाई तुम नहीं जान पाओगी। वो हमसे इतनी दूर सात समंदर पार चला गया है। अगर पास में होता तो कुछ पूछते कुछ बात करते तो पता भी चलता। अगर वो यहाँ आ सकता है तो हम भी वहां जा सकते हैं। चलो इंडिया चले। नहीं बेटे, हमारा सब कुछ यहाँ है। इंडिया में तुम्हारा एक दिन में दम खुल जाएगा और फिर मैं वहां क्या करूंगी? यहाँ मैं अकेली नाच सिखाती हूँ, वहाँ पे हजारों सिखाने वाले हैं, मुझे कौन पूछेगा? मैं वहाँ बसने के लिए नहीं कह रही हूँ माँ, बस एक बार जाने के लिए कह रही हूँ। वहाँ जाकर मैं उसे पूछूंगी कि वो अमेरिका क्यों आया था, दो कदम मेरी तरफ बढ़ाकर कुछ कहे बिना क्यों चला गया। तो ठीक है, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम शेखर से एक बार से ज्यादा नहीं मिलेगी, उस पर जोर भी नहीं डालेगी, और अगर उसने बेरुखी दिखाई तो तुम रुकने की जिद नहीं करोगी। आपकी बात लगने से देवदत्त की इच्छा थी कि उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएं, इसलिए रेणु को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं भारत, जब तक वो वहां रहना चाहे। बेटा तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा अस्थि विसर्जन के लिए। और तुम्हारे हाथों से अस्थि विसर्जन करने से डैडी की आत्मा को शांति भी मिलेगी, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो। बड़ा बेटा तो मैं तब भी था जब चिता को अग्नि देनी थी, क्यों नहीं बुलाया मुझे?
क्यों किया या नया मेरे साथ मम्मी बोलो। और आज एक फोन तो तुम मुझे कर ही सकते थे। चिता में अग्नि देना आसान रहा होगा इसलिए मुझे नहीं बुलाया, पर अब इंडिया जाना है तो मुझे बुला लिया ताकि तुम्हें काम धंधा छोड़ के ना जाना पड़े। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, रश्मि इज इन द फैमिली वे एंड शी वांट्स टू डिलीवर द बेबी हियर। ओह स्टॉप इट, ब्लडी सिटीजनशिप का खेल, बच्चा पैदा यहाँ करना है मुझे सब मालूम है। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा बेटा, दोष मेरा ही है, मुझे ये भी स्वीकार है। तुम दोनों ही मत जाओ, पति मेरा बेटी मेरी, मैं खुद ही कर लूंगी इन दोनों के फूलों का विसर्जन करना। तुम दोनों रहो अपनी अपनी पत्नी के साथ। हिंदू धर्म में औरत को यह संस्कार करने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से रास्ते हैं। जिसके बेटा ना हो वो इस संस्कार को करने के लिए बेटा गोद ले सकती है। मैं तुम्हें अपना एक बेटा गोद देता हूं। मामा डोंट क्रिएट दीज लीगल हैसल्स, डैडी की प्रॉपर्टी के हकदार सिर्फ मैं और राज हैं, और दो बेटों के रहते हुए तीसरा बेटा उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। दीपक, अरे ये हाथ जल गए हवन करने में। बेटा, ईश्वर ने इतना दिया है कि दोनों हाथों से मिलकर लुटाऊंगा ना तब भी कई जन्म लग जाएंगे लुटने में। तुम्हारी तुम्हारी मां का ही वहां इतना रखा है कि तुम दोनों मिलकर बटोर नहीं सकोगे। मैं तो बेटा दान कर रहा था, बेच नहीं रहा था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करूंगा, और अब से इस घर में अन्न जल ग्रहण भी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं रेनू, इसी पल जा रहा हूं। तुम्हें चलना है तो चलो, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। ले आना, और देखो वहां टेबल पे हैंडबैग भी है, उसे भी लेकर आना। राज, इसमें मेरे तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी के और कार इंश्योरेंस बैंक अकाउंट इन सब चीजों के पेपर्स हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। होल्ड इट मम्मी, इसमें बराबर का हकदार मैं भी हूँ, आपको इसको बदलना होगा। मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जल्दी किस बात की है, आप इंडिया से आ जाइए तब चेंज कर लेंगे। हो सकता है मैं इंडिया से लौटूंगी ना। तो पेपर्स इंडिया भेज देंगे, आप साइन करके भेज दीजिएगा। क्यों राज, ठीक है ना? आई डोंट माइंड, लेकिन तुम इंडिया जा रहे हो ना, मैंने तुम्हें टिकट भी करा दी। ओह स्टॉप इट, थैंक्स फॉर योर जेनरोसिटी, मैं अपनी टिकट खुद खरीद सकता हूँ। चलो दियो, अपनी बेटी के साथ अपने वतन पर।